सो हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी आवाज़ भी आपको सही से आ रही होंगी। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें हमारे जीरो एवोल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आपसे बड़े ही कुछ काफ़ी कुछ दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ और लेके आया हूँ मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ कंपाउंड्स। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और ये टॉपिक सीखने के बाद आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी जा सकते हैं और कोऑर्डिनेशन से उसके बाद आपको ओएमसी पढ़ने में भी आसानी होगी। तो जो है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत सारा वेटेज रखता है। ओएमसी और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाले टॉपिक्स है। अगर ये टॉपिक्स अगर आपको सही से पढ़ने हैं तो फिर आपको उसका वो भी सारे टॉपिक्स जो है वो एक तरह से बॉन्डिंग के टॉपिक्स ही है, ठीक है। तो उसका सबसे बेसिक वाला टॉपिक जो है जिसे कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, वो जो है आपको पढ़ना सही से, उसका जो कंसेप्ट है आपको सही से आने चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो कोई हमारा और एक्सपर्ट जो है वो कवर कर लेगा, लेकिन जो इनका सबका जो बेस है ना, केमिकल बॉन्डिंग से भी शेप्स या वगैरह उससे बॉन्डिंग से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो वेटेज वाला चैप्टर है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग और बहुत ही जबरदस्त अंदाज इससे ना, मतलब बहुत ही जबरदस्त, एकदम आप जिंदगी भर आपको याद रहेगा ऐसा जबरदस्त बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा मैं। तो बहुत ही बढ़िया वाला कंटेंट लेके आया हूँ, बस आप जुड़े रहे मेरे साथ, बने रहे मेरे साथ और लेके बैठ जाइए एक पानी की बोतल, कहीं भी जाइएगा मत और शुरू करते हैं अपना बॉन्डिंग, ठीक है। पहले इस पे जरा अपनी नजरे डालिए और ये जो नॉन सब्सक्राइबर्स है प्लीज 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 ये वाले सब्सक्राइबर में आ जाइए। कैसा लगेगा अगर ये सब्सक्राइबर्स हो जाए, ठीक है, तो हमें भी कितना सपोर्ट मिलेगा कि हाँ बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसा ना करें नॉन सब्सक्राइबर्स लोग, ठीक है, सब्सक्राइबर्स बन जाए, कुछ अच्छा बनने को बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर वन होने वाला है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। और ना आपको देखिए बॉन्डिंग जो है ना सब जगह पढ़ाते हैं, सभी पढ़ा देंगे बॉन्डिंग, लेकिन एक प्रॉपर सही तरीके से ना मैं आपको इस बार बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। किस तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो थियरी आती चली गई और किस एक के बाद किस तरह से पूरा जो है इनका फेलियर होता गया, लिमिटेशंस होता गया और क्यों नई नई थियरीज कैसे कैसे आती गई, ठीक है। ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक के बाद जो जिस तरह से डिस्कवरीज हुई और बॉन्डिंग जिस तरह से पूरी आगे बढ़ी है, ठीक है, पूरा का पूरा हम कवर करने वाले हैं। तो आप एकदम बिंदास होके पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, ठीक है, गलती मत करना, नोट्स बना लेना, वरना आपका डबल टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अरे एक बार नोट्स बना लो ना, बहुत काम आएंगे, वो आपको बाद में पता चलेगा क्यों काम आते हैं नोट्स, क्यों बनाते हैं नोट्स, ठीक है। इसके ऊपर मुझे लगता है स्पेशल सेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो नोट्स बना ही लो, ठीक है। देखिए बॉन्डिंग असल में क्या होता है, ये बॉन्डिंग क्यों केमिकल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, देखिए पहले समझिए, आपको मुझे हम सबको, आप पढ़ क्यों रहे हो, आप जो है मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, हम सबको क्या चाहिए एट द एंड, वी ऑल वॉन्ट जस्ट अ थिंग इज अल्टीमेट स्टेबिलिटी, ठीक है। वी ऑल वॉन्ट, आप पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, IIT में जाओगे, वहां से कुछ अच्छा जॉब लगेगा आपका, आप बड़े से कंपनी में जॉब करोगे, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, परिवार होगा, ठीक है सब। आप बस आपको ना आपका सपना है कि यार आप बस स्टेबल बन जाओ, बट ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि आप दौड़ते हो स्टेबिलिटी के पीछे। मैंने देखो बहुत बहुत ही जबरदस्त समझा रहा हूँ, ठीक है, आप बस बने रहिए मेरे साथ, कहीं भी जाइएगा मत यार। एक बार पढ़ लो ना बॉन्डिंग, अगर सही नहीं लगती तो उठा के फेंक देना मेरा लेक्चर, अगर नहीं पसंद आया तो आपको, मुझे पता है मुझे पसंद आएगा आपको, ठीक है, तो आपको पसंद आएगा, बस बने रहे मेरे साथ। मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, उसको ध्यान से समझो, सुनो, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होता है एट द एंड, कि हम सब क्या करते हैं, हम भी एक एटम्स की तरह है, हम भी जो है वो एक एटम्स की तरह है। एटम्स की तरह किस तरह से है कि हमें जो चाहिए ना अल्टीमेट स्टेबिलिटी चाहिए,
हम स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं, क्या करते हैं स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं, वी वांट मनी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, परिवार साथ में चाहिए, किसी को ऐसा होता है कि भाई माला हो जाए, ठीक है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता है, ये वर्ल्ड टूर करे, घूमने जाए, सबको अलग अलग तरह से खुद से स्टेबिलिटी चाहिए। एटम्स भी क्या करते हैं स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं, लेकिन अल्टीमेट स्टेबिलिटी ना हमें मिल नहीं पाती, हम कुछ एक्सटेंड तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप महीने के अगर महीने के 1 लाख रुपीज कमा रहे हैं ना, 1 लाख पर मंथ कमा रहे हैं ना, यानी क्या हुआ 12 LPA हुआ, यानी 12 लाख पर एनम, ठीक है। फिर भी आपको चाहत होगी अंदर से, यार काश मैं और बढ़ जाता, क्यों ना मैं 24 LPA कमाता, ठीक है, ये गाड़ी ले लेता, वो गाड़ी ले लेता, ठीक है। आपने देखा होगा कि काफी फाइनेंशियल स्टेबल है, करोड़ों रुपए है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बेचैन है, कहाँ रखो रुपये, या फिर रुपये इतने हैं कि कमेंट इतना बढ़ गया है, फैमिली टूट गई है, ठीक है। यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक कि लाइफ में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स होते हैं, सब लोग भागते हैं अल्टीमेट स्टेबिलिटी के पीछे, लेकिन जा कोई नहीं पाता, पहुंच कोई नहीं पाता, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की चाहत है, चाहता है कि वो गले लग जाए, ठीक है, इसके इसके गले लग जाए, लेकिन उसका भी एक लिमिट है, ठीक है, यहाँ तक ही रह सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता, बट जितना हो सकता है उतना हो तो वो आगे रहने की ट्राई करता है, ठीक है। यानी हम सब लोग चाहते हैं कि अल्टीमेट स्टेबिलिटी, यानी हम वो प्राप्त तो नहीं कर पाते, लेकिन वहां तक हम पहुंचने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करते हैं। बस सेम चीज जो होती है हमारे एटम्स की जिंदगी में भी होती है, ठीक है। बॉन्डिंग क्या है पता है, बॉन्डिंग जो है ना वो थोड़ा उसका एसेंस क्वांटम में से है, और थोड़ा सा उसका एसेंस जो है वो हमारे रियल लाइफ में से है। आज उसका थोड़ा सा मैं बेस बॉन्डिंग जो है किस तरह से पूरी आगे बढ़े, किस तरह से एटम्स जो होते हैं, किस बॉन्डिंग वगैरह बहुत जबरदस्त है, ठीक है, पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा कि 2-3 लेक्चर पढ़ा दिए, 10 लेक्चर पढ़ा दिए, फिर आपको बोल दूंगा नहीं यार अब वीडियो में प्राइवेसी डाल दी, ऐसा कुछ नहीं है, आपने देख ही लिया होगा, पीरियडिक भी पूरा आया, एटम भी पूरा आया, ठीक है, और भी बॉन्डिंग भी पूरा आएगा, थर्मो भी मैं ही लेने वाला हूँ, ठीक है, बहुत जल्द वो भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन एक के बाद आगे बढ़ेंगे बॉन्डिंग, ठीक है। तो बॉन्डिंग में आप जरा देखिए उसमें थोड़ा जो है ना एसेंस जो है क्वांटम है, और प्लस जो है हमारी रियल लाइफ से भी लिया गया है। एक्चुअली में होता क्या है, पर सब चीज थोड़ी बेसिक है, लेकिन बेसिक से पढ़ने में मजा आएगा, भले आपको पता है ये सब चीजें, ठीक है, फिर भी बने रहे, कहीं भी जाइएगा मत, पता है तो सुनिए, नहीं पता तो नोट्स बना लीजिए, लेकिन ना दिमाग यहीं पे रखिएगा, कहीं और घूमने मत जाने दीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने बॉन्डिंग की ओर। तो बॉन्डिंग में क्या है कि इस तरह से थोड़ा उसका एसेंस जो है वो क्वांटम से लिया गया है, थोड़ा उसका एसेंस जो हमारे रियल लाइफ से लिया गया है, और जो है एटम्स भी जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि अपनी जो होते हैं अल्टीमेट स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं। आपको पता है जैसे कि हम कार्बन ले ले, नाइट्रोजन ले ले, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सब किसके पीछे भागते हैं, ऑक्टेट के पीछे। अब पहले इसी से शुरुआत करते हैं, ठीक है, देखिए जरा, पहले तो बॉन्डिंग के ना दो बेसिक टाइप ऑफ फोर्स है, बॉन्डिंग के ही नहीं, नेचर के, नेचर में टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट। अब कौन कौन से फोर्स, पहले इनको जरा थोड़ा सा समझ लीजिए, किस तरह से जो है दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। क्या हो गया भैया, क्या हो गया, अरे अरे एक सेकेंड यार, जस्ट अ सेकेंड ना, क्या हो गया, ठीक है। तो दो टाइप के फोर्सेस जो होते हैं वो नेचर में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से है? पहला जो फोर्स है वो है अट्रैक्टिव फोर्सेस। काफी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़े हैंडराइटिंग में दिक्कत आ सकती है आप लोगों को, बट आई होप आप सपोर्टिव है, ठीक है। और जो है
रिपल से फोर्सेस दो तरह के जो होते हैं फोर्स होते हैं लगने पर, ठीक है। अब आप एक बात तो समझ लीजिए कि बॉन्डिंग जो है ना वो कोई उसमें ऐसा नहीं है कि यार ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच दो डंडे लग गए, क्या है ये दोनों के क्या हाथ है क्या, है ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जो चीज है ना, जो भी है, इन दोनों के बीच में एक एक जो है ना फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। वो किस तरह से पूरा मैं समझाऊंगा, लेकिन जो है पहले हम फोर्सेस के बारे में सीख लेते हैं क्या फोर्स होते हैं। नेचर में दो तरह के फोर्स एक्सिस्ट करते हैं, एक होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक होता है रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। अब आपको जैसे कि पता है, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक बात बहुत अच्छे से सिखाई थी कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं ना उनसे क्या होती है, एनर्जी जो होती है ना वो लो होती है, ठीक है, एनर्जी लोअर यानी डिक्रीज करती है, ठीक है। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जैसे लगती है ना तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है, जैसे कि आप लोगों को किसी की चाहत होगी, अगर वो आपको मिलते जाए ना तो आपके अंदर स्टेबिलिटी आती जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, अगर 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 एक एक लड़का है, ठीक है, ए और एक लड़की है और बी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और माँ बाप जो है शादी के लिए राजी हो जाए, ठीक है, तो ये दोनों की शादी होने को तैयार हो, मतलब शादी हो जाए इन दोनों की, तो दोनों को क्या लगेगा, अरे यार जो चाहत थी वही मिल गया, स्टेबिलिटी आ गई। कई लोग बोलते हैं ना बस ये हो जाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये वो मानते हैं मतलब बहुत स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी यानी आपके अंदर जो एनर्जी है ना वो रिलीज होती है, आप स्टेबल होते हो, ठीक है, यानी एनर्जी जो होती है वो लो होती है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, उसको वो स्टेबिलिटी आती है उसके अंदर, ठीक है। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, मान लो कि आपकी एनर्जी लेवल यहाँ पे है तो डिक्रीज होकर आपकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, एनर्जी निकल जाती है। अब जरा देखिए दूसरे टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, वो होते हैं रिपल्सिव फोर्सेस। ये क्या होती है, ये जो होते हैं ना वो एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, आपकी एनर्जी यहां है उसको और बढ़ा के इंक्रीज कर दिया। कैसे, एक तो आपको फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आया और रिलेटिव्स आ गए, अरे शर्मा जी के बेटे का कितने रैंक आई, अरे आईआईटी जेम की तैयारी तो कर रहे थे पता नहीं क्या हुआ फिर, ठीक है। तो एक तो अगर किसी बंदे की रैंक निकली नहीं और ऊपर से वो पड़ोसी या रिलेटिव आ गए थोड़ी उसमें अपने टांग अड़ाने, ठीक है, तो नफरत और बढ़ जाती है, मन करता है इसको कूट कूट के मारूं, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियस। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ना एक अंदर से गुस्सा आता है, ठीक है, एनर्जी बढ़ जाती है आपकी, रिपल्सिव रिपल्शन फोर्सेस लगते हैं, ये क्या होते हैं, एनर्जी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। आप देखिए एक बात और है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ना, जरा इसको समझिएगा जरा ध्यान से, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। आपको पता है कि जो फोर्स होता है ना, ये दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स है ना, वो फील्ड फोर्स है, यानी कि इन दोनों की ना अट्रैक्शन या रिपल्शन की एक फील्ड होगी, उसके अंदर अगर कोई बॉडी आ गई तो उसको वो अट्रैक्शन या रिपल्शन जैसा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर। तो अट्रैक्शन है ना वो दूर से भी लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा ना तो भी लगेगा, उस डिस्टेंस पे उसका रिपल्शन फोर्स नहीं लगेगा उतना, ठीक है, उतना, यानी कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये दूर से भी लग जाता है और ये करीब से ही लगता है, जैसे कि चांद दूर से कितना प्यारा लगता है, हाय हाय हाय, हम तो बोलते हैं ना तुम्हारा चेहरा ना चांद जैसा है, ठीक है, असल में चांद की नजदीक जाओ बहुत बड़े बड़े डार्क स्पॉट्स है उस पर, ठीक है, तो फिर आपको उसे नफरत होने लगेगी। तो मतलब
कहना है मतलब ये है कि जो रिपल्शन फोर्सेस है ना, जिससे हमें नफरत होने लगती है, ठीक है, वो करीब जाता है ना फिर पता चलता है, दूर से तो सब अच्छे ही लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सारा है, तो दूर से तो अट्रैक्शन ही होता है, करीब जाता है फिर पता चलता है कि क्या चीज है। चले फिर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और एक बात और है, छोटी सी बात है, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ मैं, कि जो कोई भी हो, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे ही डिस्टेंस कम होता है, वैसे ही फोर्स बढ़ता है, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी छोटी छोटी बात है, आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर एक बात और है, यहीं पे लिख देता हूँ ना पीछे वाली स्लाइड में, फिर आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मान लो कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये उसके फील्ड लाइन है, ठीक है, ये उसके फोर्स की फील्ड है, यहाँ तक की फील्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा, फील्ड के बाहर रहा, तो फिर कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा। अगर फील्ड के एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अगर यहाँ आ गया तो और ज्यादा लगेगा, यानी कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। रिपल्शन का भी देख लो, ठीक है, लेकिन एक है कि अट्रैक्शन दूर से भी लग जाता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, और रिपल्शन करीब आने के बाद ही वो फिर धोखा देता है, वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं जरा। अब जो बॉन्डिंग जो होती है ना, वो स्पेशली एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पढ़ी जाती है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं ना, यानी नॉर्मली जो होता है ना, ये लोग ज्यादातर वो दिखाते हैं यार, बॉन्डिंग दिखाते हैं। डी ब्लॉक जो होते हैं, फिर उनके लिए अलग से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर जो होते हैं बॉन्डिंग में एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच पड़ी जाती है, ठीक है। जैसे कि हो गया ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, ठीक है। ये हो गए सारे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनके बीच में जो है वो पूरी बॉन्डिंग पड़ी जाती है, ठीक है। असल में अब ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, ये वैलेंस शेल जो होती है ना, नॉर्मली जो इनकी इनकी होती है NS1, पता ही है आपको, NS1 और NS2 होती है, और जो है बाकी होगी आपको पता ही है कि इनके पी में होगी, इनकी जो होगी NP1 से लेके NP6 तक होगी। अब असल में क्या होता है, अब जरा इस बात को समझते हैं, जरा देखते हैं, अब पूरा फोकस यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। जरा देखिए इसको क्या असल में इसमें क्या होता है, कि जो ग्रुप 18 वाले जो होते हैं ना, हम ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर जो है पूरा का पूरा इस तरह समझाऊं आपको, जो एक शेल कंप्लीट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। असल में उनके अंदर वैलेंस शेल जो होता है ना, वही जो होता है वो मेन होता है। आप देखिए ये ग्रुप 18 वाले जो भी एलिमेंट है ना, इनके अंदर वैलेंस शेल जो होता है ना वो कंप्लीट होते हैं। अभी आपको ये बातें पता होगी, फिर भी बने रहिए, ठीक है। वैलेंस शेल जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। नॉर्मली साइंटिस्ट ने देखा कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और ज़ेनॉन, ये कभी कभी ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो है एलिमेंटल फॉर्म में भी हमें मिल जाते हैं। अब ऐसी तो क्या बात हो गई कि बाकी के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें कुछ ना कुछ जो है वो मॉलिकुलर फॉर्म में, जैसे कि O2 है, या फिर H2O है, या फिर F2 है, या HF है, ये सब मॉलिकुलर फॉर्म में मिलता है। और इनमें ऐसी क्या बात है, अभी आप जरा गौर से देखोगे, मतलब अगर आप आगे पढ़ोगे ना, तो आपको क्रिप्टन और ज़ेनॉन के भी कंपाउंड्स मिल जाएंगे, ठीक है, इनके भी आपको कंपाउंड्स मिल जाएंगे। लेकिन बात वो नहीं है जो कहने का मतलब है, क्रिप्टन और ज़ेनॉन के कंपाउंड्स तो मिल जाएंगे, लेकिन ये एलिमेंटल फॉर्म में भी मिल जाएगा आपको,
ठीक है, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे कि ये जो है इनकी साइज बड़ी होने की वजह से इनको पोलराइज करके इनके साथ बॉन्डिंग की जा सकती है। ठीक है, ये आगे की बात है, ठीक है, अभी वो आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन जो कहने का मतलब है, क्रिप्टन और ज़ेनॉन के भले ही हमें कंपाउंड्स मिल जाए, ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्म में मिल जाए, लेकिन वो एलिमेंटल फॉर्म में भी मिलता है। लेकिन H2O, O2, HF, F2, N3, N2, ठीक है, ये सब जो है कि हमें ऐसा नहीं होता कि ओनली ऑक्सीजन मिल गया, ओनली फ्लोरीन मिल गया, ऐसा नहीं होता। क्यों, व्हाई, व्हाट्स द रीजन, ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्या बात है? ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये जो बात है इसमें असल में इस तरह से होता है कि जो नोबल गैसेस होते हैं ना, इनको नोबल गैसेस नाम दिया गया है। ठीक है, ये असल में इसलिए एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं बिकॉज इनके अंदर का जो ऑक्टेट होता है ना, वो फिल्ड होता है, इसी के ऊपर से दी गई लेविस, वही पढ़ते आप सीधा, लेविस ऑक्टेट थियरी दी गई। जरा आप इसको थोड़ा समझते हैं, मैं आपको पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको समझा रहा हूँ, बोर भले ही आप हो जाए फिर भी पढ़ते ही रहे, ठीक है, कहीं जाएगा मत। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बात आपको पता ना हो वो पता लग जाए आपको, ठीक है, या फिर आपको ये पूरा तरीके से आपको पढ़ना ना आता हो, ठीक है, वो आप पढ़ लोगे अभी तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कई कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके। चलिए इसके बारे में आप थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। चलिए देखिए जरा यहाँ, अब क्या बात है, नोबल गैसेस एलिमेंटल फॉर्म में मिलते हैं क्यों, बिकॉज इनके अंदर जो ऑक्टेट होता है ना, ऑक्टेट किस तरह से दिया गया, यानी इनके जो शेल है, ठीक है, इनके जो बाहरी जो शेल रहा है, इनके अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं, इसलिए इसको ऑक्टेट बोला गया है। यानी इनका कहने का मतलब ये था कि एस और पी ब्लॉक में मेनली जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इनमें अगर हम देखें अगर, तो बाहरी शेल जो है ना, अगर वो फुलफिल हो जाता है, ठीक है, बाहरी वैलेंस शेल जो होता है वो फुलफिल हो जाता है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि हम अगर एस और पी ब्लॉक वाले को देखें तो उसमें बाहरी 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, या फिर डी ब्लॉक इंक्लूड कर ले तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसको वो एकदम स्टेबल हो जाता है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन या वगैरह की कुछ कोई चाहत ही नहीं होती। ठीक है, तो यही बात जो है वो लुईस बाबा ने बोली कि उन्होंने एक अपना थियरी दिया और बोला कि अगर जो कोई भी एलिमेंट के अंदर, ठीक है, अगर जो कोई एलिमेंट के अंदर जिनके वैलेंस शेल एस और पी है, अगर वो फुलफिल होंगे तो वो स्टेबल होगा, उसको कोई अट्रैक्शन की या फिर और स्टेबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि अट्रैक्शन जो है वो एनर्जी को और लोअर करेगा, बट वो ऑलरेडी स्टेबल है, अब उनको कोई एनर्जी लोअर करने की जरूरत नहीं है। बट जो दूसरे सारे एलिमेंट्स है जिनकी जिनका जो है एस और पी ब्लॉक में जो उन जिनके जो वैलेंस शेल है, ठीक है, एस और पी ब्लॉक, ठीक है, अगर वो फुलफिल नहीं है तो उनको अट्रैक्शन की जरूरत है, यानी उनको स्टेबल होने की जरूरत है, और तब वो जो है मतलब रीजन उन्होंने दिया कि किस तरह क्यों वो रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके ऊपर से उन्होंने लेविस लुईस ऑक्टेट थियरी दी, उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया, उनकी थियरी पढ़ते हैं जरा। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि एवरी एलिमेंट ट्राइज टू हैव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जरा अगली स्लाइड पे आ जाते हैं फिर देखते हैं जरा। अब आपको पता लग गया कि एस और पी ब्लॉक अगर फुलफिल हो जाए ना, उनके वैलेंस शेल जो होते हैं एस और पी ब्लॉक, ठीक है, अगर वो उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एस में 2, पी में 6, टोटल कितने हो गए 8। इसके ऊपर से उन्होंने बोला, लेविस ऑक्टेट थियरी दी उन्होंने कि अगर वैलेंस शेल में एस और पी ब्लॉक में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो वो जो है वो रिएक्ट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा क्योंकि उसका वो ऑलरेडी स्टेबल हो जाएगा। तो अब जो है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला तो कितने हैं, जो जिनको नोबल गैस बोला गया वही कंप्लीट है। लेकिन अब जो बात आती है कि दूसरे जो अल्टीमेट स्टेबिलिटी की तरफ भागते हैं, भाई हमें भी चाहिए स्टेबिलिटी, हम क्या करें यार, ऐसे ही मर जाएंगे, तो वो लोग जो होते हैं ना, वो दो तरीके से जो है वो स्टेबिलिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब वो दो तरीके से, पहला तरीका है कि इधर
by electron sharing, and second is or by complete transfer there of electron. दो तरीके हैं। अब जो उन्होंने बताया कि जो अपना ऑप्टिक जिसका कंप्लीट होगा, फुलफिल होगा, वो अल्टीमेट स्टेबल होगा। अब जो स्टेबल है वो तो है, जो नहीं है उनको बनना है। कैसे बनेंगे? दो तरीके दिए हूँ, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो अपना ऑप्टेट कंप्लीट कर ले, और या तो जो है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे। यानी जैसे कि अगर हम देखें कि कुछ जो होती है, कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया लिथियम हो गया और फ्लोरीन हो गया, इसको बस एक इलेक्ट्रॉन देना है, चाहे कोई भी बस दे दे, मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। फ्लोरीन से बस मुझे चाहिए, तो कुछ भी कर मुझे चाहिए, तो इसमें शेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, तो वो दे देगा, जिसको चाहिए वो ले लो, फ्लोरीन को चाहिए फ्लोरीन ले लेगा, कंप्लीट स्टेबल हो गया। लेकिन अगर कार्बन हो गया, फिर अब ये तो क्या करेगा यार, ये तो छोड़ भी नहीं सकता ऐसे। या फिर कोई और भी एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसा नहीं है कि ये जो है सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे स्टेबल ही बनाएंगे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो तरीके है। ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, जिस तरह से उनको मिलेंगे अपने नेबर्स, उस तरह से वो उसके साथ बिहेव करेंगे, ठीक है। तो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे और कई और एलिमेंट्स, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, O2। अब ऑक्सीजन में एक दो ऑक्सीजन, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, यानी वैलेंस में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बस दोनों को दो दो चाहिए। अब क्या करेंगे भाई, दो दो शेयर कर दो अपने, कि क्या होगा, ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, दूसरा ऑक्सीजन आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये क्या करेगा, दोनों इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। अब ये दोनों ने ना आपने दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, बोलने को अब क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास भी 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बोलेगा ये दोनों भी मेरे हैं, 7, 8। ये ऑक्सीजन का देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, बोलेगा ये दो भी मेरे हैं, 7, 8। यानी दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बीच में आ गए, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के बीच में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन हो गया, बोलेंगे कि ये दोनों मेरे ही है। यानी दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक दूसरे को स्टेबिलिटी दे दी। तो ये जो है इस तरह से O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ऐसी जो, एक्सेप्ट एक हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, क्योंकि वो फिर उसी में स्टेबल हो जाएगा, बाकी सबको 8-8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। यानी अब जो, अब क्या बात है कि ये जो नेट अट्रैक्शन होता है ना, जो होल्ड करता है इन एटम्स को, अब ये जो अट्रैक्शन जो होता है ना इनके बीच में, देखिए आप जरा देखिए इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसको, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, सिर्फ एक न्यूक्लियस नहीं, दो न्यूक्लियस का जो है उनको मिल रहा है अट्रैक्शन। इनको भी देखे जरा, एक नहीं दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन मिल रहा है, तो अल्टीमेट इनकी स्टेबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज करेगी, और इनके शेल में भी इनका ऑक्टेट भी होगा, जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और ये जो होंगे स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही जो होता है, ये जो शेयरिंग होती, यही जो अट्रैक्शन जो होता है, वही होता है केमिकल बॉन्ड। इनके बीच में जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वही उनके बीच में, उसी को बोलते हैं, जो फोर्स दोनों को मिला के रखे, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब जरा देखिए, लियोस बाबा ने तो बोल दिया कि भाई या तो वो दो तरीके हैं, इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे या फिर दे देंगे कंप्लीट, और इस तरह से वो ऑक्टेट को ना कंप्लीट करके वो थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, ये उन्होंने बोल दिया।
लेकिन ये बात तो उन्होंने सही बोल दी। हाँ भाई कि ऑक्टेट कंप्लीशन है वो मस्त है, ठीक है, इससे क्या है कि मॉलिक्यूल जो होंगे सॉरी एटम्स जो होंगे वो स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन ये तो हो गया, अब उनकी लिमिटेशंस कहाँ पे आई? उन्होंने जो है उन्होंने फॉर एग्जांपल BF3 आपने फेमस है बहुत पढ़ा होगा आपने ऐसी चीजें, तो BCl3 इसके अलावा जो है PCl5 ठीक है, या फिर PF5 ऐसे एलिमेंट्स जो है ना तो इनकी कंप्लीट है ऑक्टेट। देखिए उन्होंने क्या बोला था, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए मॉलिक्यूल्स तो ये भी एग्जिस्ट करते हैं और इनका जो है ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इनका कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब ये क्या बात हो गई, देखिए इसमें क्या है, ये दो को पहले देख लेते हैं, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए बोरोन का एक, फ्लोरीन का एक, 2, बोरोन में तो 3 होते हैं ना वैलेंस शेल में, और 3 फ्लोरीन के आ गए, तो इतना जो है वो अट्रैक्शन के बाद जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसी बन पाता है। इनको बोलते हैं हाइपोवैलेंट स्पीसी, ठीक है। और यहां पे जरा देख ले PCl5 PF5 इनके जरा देखे, फास्फोरस में भी जो होते हैं जरा देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसी हो गया भाई, 8 इलेक्ट्रॉन से बढ़ गए, तो इन्हें बोला जाता है हाइपरवेलेंट स्पीसी, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि भाई देखिए इस पर तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, उसके तो कम है इसके ज्यादा है। अब बोलो अब इन मॉलिक्यूल्स भी एक्सेस करते हैं, इनके बारे में आप क्या बता रहे हैं? लुईस तो नहीं बता पाए, अब क्या होगा? देखिए लुईस जो है इनका आंसर देने में फेल हो गए, कहीं मुझसे गड़बड़ तो नहीं हो रही? नहीं नहीं सही जा रहे हैं, चलो चलो लुईस जो इनका इनका आंसर देने में जो है वो फेल हो गए। इसके अलावा एक और जो है लिमिटेशन जो लुईस का आया था, मेजर लिमिटेशन जो था वो सेकेंड ये था कि चलिए भाई इसका तो जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गए ना ऑक्टेट, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी यार, सो सॉरी, पता नहीं क्या किया मैंने, ये केमिस्ट्री वाले मारेंगे मुझे। चलिए इसका तो कंप्लीट हो गया ना ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन साइंस के वैलेंस शेल में टोटल शेयर करके 8 हो गए, ठीक है। ठीक है दोनों का कंप्लीट है, फिर ये क्यों अट्रैक्शन करते हैं भाई? अरे ये तो स्टेबल हो गए ना, ये मॉलिक्यूल्स फिर क्यों अट्रैक्ट करते हैं? यानी इसके बारे में उन्होंने कुछ भी बताया नहीं, इनके बारे में उनको उनको जो है कोई बात उन्होंने इसके बारे में उन्होंने नहीं बताई। जो ये बात नोटिस की गई थी कि H2O तो स्टेबल होने के बाद भी ये अट्रैक्शन दिखाती है, ठीक है, ये अट्रैक्शन पानी दिखाता है, ठीक है, ये अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल के बीच में, लुईस थियरी ने इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है। इवन जो है हर एक मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन जो होती है वो देखी जाती है, वो जो लुईस थियरी ने नहीं बताया था, उन्होंने बताया सिर्फ ऑक्टेट के बारे में, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह जो कुछ भी थोड़े बहुत लिमिटेशन थे, देखिए जो मेजर लिमिटेशन थे वो ये दो थे, ठीक है। तो आप इनके बारे में समझने से पहले ना एक चीज पढ़ते हैं हम, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को थोड़ा और बढ़िया तरीके से एक बार सीख लेते हैं एग्जैक्टली किस तरह से होता है केमिकल बॉन्ड, इसके बारे में जरा लिख लीजिए यहाँ पे। नेट फोर्सेस ऑफ attraction
दैट होल देखिए नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोला है, नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, सारे अट्रैक्शन को मिला के दैट होल्ड टू और मोर देन टू केमिकल एंटिटीज टूगेदर। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड टू और मोर देन टू केमिकल एंटिटीज टूगेदर इज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो एंटिटीज जो होती है ना, आप ये किस तरह से वो इसको बताते हैं, देखिए जरा। देखिए अब जरा सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको जरा समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, इसको जरा ना ध्यान से समझिएगा कि क्या है ये चीज, क्या होती है। अब एग्जैक्टली बॉन्ड को कहना वो क्या चाहते हैं, कि कोई भी दो एंटिटीज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला होता है वही होता है बॉन्ड। ठीक है, चाहे वो एलिमेंट हो या फिर मॉलिक्यूल हो। ठीक है, केमिकल एंटिटीज का कहने का मतलब था एलिमेंट, आयन, मॉलिक्यूल, जो भी कह लो। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट अनस्टेबल है, यानी सिंगल ऑक्सीजन है, सिंगल हाइड्रोजन है, सिंगल फ्लोरीन है, सिंगल नाइट्रोजन, कार्बन, जो भी है, उसको सबसे पहले तो क्या चाहिए भी? कि वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। यानी अगर वो किसी और बंदे को देखेगा कि उसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, किसी और एटम को देखेगा तो बोलेगा तू आ जा, तू भी अनस्टेबल है, मैं भी अनस्टेबल हूँ, थोड़ा शेयरिंग करके पर स्टेबल हो जाते हैं। तो प्राइमरी कंडीशन उनकी क्या हुई भाई, स्टेबल होना। तो जो प्राइमरी अट्रैक्शन जो होगा उनका, वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होगा। यानी वो उनको पहले तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट करवाएगा, यानी वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होगा, उससे उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ये नॉर्मली जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और आयोनिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल बनने का प्राइमरी अट्रैक्शन जो है वो ये है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, कि वो भाई एलिमेंट फॉर्म में है, पहले वो मॉलिक्यूल बन जाए, पर स्टेबल हो जाए। उसके बाद जब वो मॉलिक्यूल बनता है और उसको चांस मिलता है भाई कि मैं और किसी के साथ अट्रैक्शन करके मैं और जरा स्टेबल हो सकता हूँ, यानी शादी वादी करके जॉब वॉब अच्छी लग के, इसके बाद भी अगर वो ज्यादा मेहनत करके अपनी सैलरी और भी बढ़ा सकता है, तो वो क्यों क्यों मना करेगा, वो क्यों नहीं करेगा भाई। मॉलिक्यूल बनने के बाद भी फाइनेंशियल स्टेबल है, हैप्पी फैमिली है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि वो फिर मॉलिक्यूल बनने के बाद भी वो अट्रैक्शन करेगा भाई, स्टेबिलिटी और मिल रही है भाई, सैलरी बढ़ रही है, तो क्यों ना बढ़ाए, क्यों ना वो मना कर देगा प्रमोशन को, बिल्कुल मना नहीं करेगा। मॉलिक्यूल के अंदर भी अट्रैक्शन होती है, ठीक है, बट ये जो होती है ये वीक फोर्सेस होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स, प्राइमरी कंडीशन क्या है, तो भाई पहले तो भाई देखो जॉब तो है ही, ठीक है, मान लो कि आपको 12 LPA मिल रहा है, ठीक है, तो जॉब तो है ही, बस अब पहले शादी हो जाए। वो बोलेगा शादी हो जाए भाई, मेरे बहुत ही मैं अनस्टेबल हूँ भाई, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, वो शादी कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा, अब फाइनेंशियल कंडीशन गुड है, स्टेबल है, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद अगर उसको कोई बोल रहा है कि भाई तू और मेहनत कर, तुझे प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, तो ये जो है उसकी सेकेंडरी कंडीशन है, ठीक है, सेकेंडरी अट्रैक्शन है। ठीक है, वो मैं अपने फैमिली को और ज्यादा खुश रखने के लिए, वर्ल्ड टूर पे ले जाने के लिए सेकेंडरी अट्रैक्शन की ओर जाएगा और ज्यादा स्टेबल होने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अपनी फैमिली के कंपैरिजन में तो उतना तो वो स्ट्रांग नहीं होगा। ये तो उसकी प्राइमरी कंडीशन थी, मतलब प्राइमरी अट्रैक्शन था, अब ये सेकेंडरी अट्रैक्शन है। हाँ, है उसके पास 12 LPA, लेकिन और बढ़ जाए तो अच्छा है। तो इसी तरह से वो सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं, लेकिन वो वीक फोर्स होते हैं,
प्राइमरी जो होता है उसको नजदीक लाने के लिए जो होता है वो प्राइमरी अट्रैक्शन होता है जो उसको अल्टीमेट ज्यादातर स्टेबिलिटी देता है। बहुत अनस्टेबल होता है उसको ज्यादा स्टेबिलिटी देता है जो उनको करीब में लाता है। ये तो लगने वाले बाद में अट्रैक्शन है, पहले ये बनेगा तभी तो ये लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा उसको स्टेबल कर देते हैं। फिर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो होती है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करके जो है अट्रैक्शन के बाद वो सेकेंडरी अट्रैक्शन के बाद वो थोड़ा और स्टेबल हो जाते हैं टू ओवर सम मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इफ पॉसिबल। हाँ वो पॉसिबल होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी उनको प्रमोशन देनी चाहिए, अगर मिल रहा है तो वो लेने को मना नहीं करेंगे। अब जरा आगे देखते हैं, टाइम को भी जरा देखते जाएंगे कि आप ऐसा ना हो कि बोर हो जाए, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं, अब ये सेकेंडरी अट्रैक्शन लिख ही देता हूँ मैं, सेकेंडरी फोर्स किस किस तरह के होते हैं। सेकेंडरी फोर्स कौन कौन से तरह के सेकेंडरी फोर्स होते हैं, होता आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड आयन, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, और जो लास्ट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये सारे जो होते हैं वो सेकेंडरी फोर्सेस होते हैं। आप बोलोगे वैन डर वाल कहाँ गए, लैन डर कहाँ गए, तो ये सब उनके दूसरे नाम होते हैं। जो सेकेंडरी फोर्स होते हैं वो इतने ही होते हैं। ये कब बनते हैं, कब लगते हैं, जब मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ गया, हाँ यहाँ राहत हो गई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत अमीर था, ठीक है, और उसको जो है उसकी जान पे बनाई, ठीक है, माल तो गया ही गया, जान पे बनाई। अब जो है मैक्सिमम अनस्टेबल है। अब कोई बंदा आ जाए उसको बोले चल मैं तेरी जान बचा लेता हूँ, ठीक है। तो जो है वो पहले अपनी जान बचाना चाहेगा, अपने माल को जाने देगा, जितना भी होगा उतना रुपया कम उसको जाने देगा कि मैं जिंदा रह जाऊँ, वही बड़ी बात है, ठीक है। यानी पहले वो मॉलिक्यूल बना लेगा, फिर उसके बाद तो वो कमा तो और भी लेगा, सेकेंडरी फोर्स उसके बाद भी लग जाएंगे, लेकिन ये उतने ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस नहीं होते, वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पसंद आए तो एक लाइक ठोक देना बस, ना पसंद आए फिर भी दबा ही देना, ठीक। चलिए एक बहुत ही जबरदस्त सीखते हैं, कॉन्डोन मोज कर्व, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसको जरा देखिएगा। अब ये क्या, ये जनाब क्या बताते हैं कि आप देखिए ये तो होता है बॉन्ड, इसके बारे में तो समझ में आ गया भाई कि बॉन्ड ऐसा होता है। अब इन्होंने बॉन्ड बनने के बारे में कुछ बताया है कि जैसे कि ये हो गया एक एटम, ये यहाँ पे तो हमने देख लिया भाई कि जब भी एटम होता है वो उनके बीच में जो दोनों करीब में आते हैं बॉन्ड बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जो भी शेयरिंग करके ट्रांसफर करके बना लेते हैं। लेकिन इनके बॉन्ड बनने की प्रक्रिया किस तरह से होती, इन्होंने कॉन्डोन मोड्स कर्व इन्होंने बताया किस तरह उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। उन्होंने क्या बताया कि ये जो है दो एटम्स जो है उसके बीच में मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ना वो इनफाइनाइट है, तो अट्रैक्शन कोई भी नहीं लग रहा होगा, अट्रैक्शन ही नहीं लग रहा, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, रिपल्शन तो और भी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है वो तो लगेगा ही नहीं, अट्रैक्शन भी नहीं लग रहा, इनफाइनाइट होगा तो नहीं लगेगा ना अट्रैक्शन, ठीक है। अब जब ये इसको ए एटम मान लो, इसको बी एटम मान लो, अब जब ये बी जो है वो ए के करीब में आएगा, डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा, ए और बी जो है वो करीब करीब में करीब आएंगे जब, ठीक है, तब क्या होगा। तो उन्होंने पूरा एक अपना मतलब उन्होंने पूरा एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें उन्होंने कर्व से पूरा उनका जो है नजदीक आना और अट्रैक्शन जो है वो सारा उसने उन्होंने उनको इसमें एक्सप्लेन किया है। कई कई सारों के जो दिमाग में जो होता है वो एक तरह से घूमता रहता है कि भाई यार ये
वाइब्रेशन क्या होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है ये रेडियस के बारे में कई लोग पूछते हैं, और ये कर्व है, ठीक है, उनको बिल्कुल क्लियर करेगा किस तरह से ए और बी दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी पे क्या चेंज आता है, ठीक है। यहाँ से हम जरा देखते हैं इसके बारे में। असल में क्या होता है कि जैसे ही करीब आएगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, और आपको पता है जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, उसको स्टेबिलिटी मिलती जाएगी, ठीक है। तो जैसे एक दोनों के बीच वो अप्रोच करेंगे एक लिमिट होगी, उन्होंने पूरा ये इसको ना एक ग्राफ से समझाया है कि भाई ये डिस्टेंस है और यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे पॉजिटिव होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ पे तो उसका अट्रैक्शन जीरो होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो रहेगी। अब जैसे ही वो करीब में आता है, जरा देखिए उसके बीच में जो है, यार बहुत गंदी चीज हो गई। जैसे ही वो करीब में आता है उसके बीच में जो अट्रैक्शन है, क्या हो रहा है यार, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसको ना थोड़ा सही से मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, यहां से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही डिस्टेंस कम होता जा रहा है वो स्टेबल होता जा रहा है और फिर उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसको जरा समझिएगा, जैसे ही भाई वो डिस्टेंस उसका करीब वो कम होता जाएगा, वो एक न्यूक्लियस है, एटम ए, एटम बी, वो करीब होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ठीक है। और उसकी जो स्टेबिलिटी, अल्टीमेट स्टेबिलिटी यहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है, यहां तक इसकी एनर्जी जो मैक्सिमम डिक्रीज होने वाली होगी यहां तक हो जाएगी। अब उसके और अगर वो करीब आया फिर उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब जो है वो काफी करीब में आ गया है, पर अब जो है रिपल्शन फोर्सेस भी अब डोमिनेट होते जाएंगे। तो अब अट्रैक्शन तो भाई लगना था, लग गया, अब अगर तू और करीब आया तो तुझे घूसा मार के निकालूंगा मैं, ठीक है। तो यानी अब जो है वो बोला लिमिट में रह जा, वरना अब तो रिपल्शन भी डोमिनेट हो जाएगा, तो जो मार मार के यहाँ से घर से बाहर निकालेगा। तो इस तरह से इनके बीच में जो है रिपल्शन जो होती है डोमिनेट होने लगती है दोनों। अब रिपल्शन जो होती है, देखिए ये हो गया एक एटम, ये हो गया दूसरा एटम, ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर हो गए भाई, दोनों के अंदर आ तो गए, इतनी स्टेबिलिटी मिल गई। अब ये जो एनर्जी का स्टेबिलाइजेशन है, इस एनर्जी पे रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स, यहीं से उनका जो है वो रेडियस भी निकलता है, ठीक है। हाँ, और ये जो नेट अट्रैक्ट, यहाँ पे जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है सबसे मिनिमम है, मोस्ट स्टेबल है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी लगेगा, अरे थोड़ा बहुत रिपल्शन भी लगेगा, ठीक है, और अट्रैक्शन भी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लगेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन लगेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा जब वो करीब आ जाएंगे फिर रिपल्शन डोमिनेट होने लगेगा, ठीक है। तो यानी नेट अट्रैक्शन फोर्सेस, रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों को मिला के जो नेट अट्रैक्शन फोर्सेस है उसी को केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। उन्होंने पूरा एक कर्व ड्रॉ करके दिखा दिया हमें, इसको कहते हैं कॉन्डोन मोर्स कर्व, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। हम ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास को तो मैं अभी भी स्टॉप नहीं करने वाला, और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ाया अभी अभी, और आगे थोड़ा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं कि वाई बॉन्ड फॉर्म्ड, ठीक है। अब जो है फाइनली क्या बात निकल के आई कि बॉन्ड क्यों बनता है, फाइनली उन्होंने बोला एक तो है कि ऑक्टेट कंप्लीशन,
दूसरा उन्होंने बोला पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइजेशन। कॉन्डोन मोर्स ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई जो अब बॉन्ड बनने की उन्होंने दो वजह दे दी, एक तो है ऑक्टेट कंप्लीशन हो गया और एक है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइजेशन हो गया। अब जो है जितने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं वो तो हो ही रहे, ठीक है। जब हाइपर और हाइपोवैलेंट स्पीसीज के बारे में उन्होंने बात की, ठीक है, जो लुईस ना समझा पाए, कॉन्डोन मोर्स ने एक्सप्लेन किया कि भाई हमें पता लग गया कि बॉन्ड किस तरह से बनता है, क्यों बनता है, ठीक है। उन्होंने बोला कि जितने भी ज्यादा एटम्स करीब में आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उनके बीच में शेयर होंगे, जो शेयर होंगे, ठीक है, उससे उनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी उस सिस्टम की, यानी उस मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी करीब करीब में आते हैं, इनके बीच में जो है ये दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है, तो देखिए इन पे लगने वाले दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, इन पे भी लगने वाले दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है। अगर यहाँ पे ये दोनों एक एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यानी दो बॉन्ड बना लिए, ठीक है, दो बॉन्ड बना लिए, अब कितने हो गए, चार इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए ना, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला और भी बढ़ गया, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और भी कम हो गई, ठीक है, और भी बढ़ गई और एनर्जी और भी कम हो गई। यानी इससे क्या पता लगा कि जितनी भी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो उनका कहने का मतलब ये था, वो कहना ये चाह रहे थे कि जो हाइपर और हाइपोवैलेंट स्पीसीज जो लुईस ना समझा पाया, उसका रीजन है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइजेशन। पोटेंशियल एनर्जी को वो मिनिमाइज करना चाहते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके बीच में जो है एटम ए और एटम बी के बीच में, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे बोरोन जो है उसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब तीन इलेक्ट्रॉन का वो क्या करेगा भाई, कहाँ दूर है यार, तो वो क्या करता है भाई कि जितने बॉन्ड हो सके उतने बॉन्ड वो बनाता है भाई, जितना हो सका उतना तो बना लो, जितना स्टेबल हो पाऊं उतना हो जाता हूँ यार, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन से कम छह इलेक्ट्रॉन तक तो मूव करेगा, ठीक है। और ये देखिए उसके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मिल रहे हैं, इससे उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ रही है, क्योंकि उस पर लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन उसके पास था उस पर सिर्फ बोरोन का अट्रैक्शन लग रहा था, अब फ्लोरिन का भी लग रहा है, ठीक है, और फ्लोरिन के ये भी इलेक्ट्रॉन्स की इन सब के अट्रैक्शन लग रही है, ठीक है। यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी और भी ज्यादा कम हो रही है क्योंकि उसके बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। तो अब उन्होंने बोला कि ये तो इस वजह से लगता है, और जो है जो हाइपर वैलेंट स्पीसीज है फॉर एग्जाम्पल PCl5, ये भी इसी तरह से होता है कि भाई ये हाइपर वैलेंट जो स्पीसीज होती है हाइपर वैलेंट स्पीसीज जो होती है वो भी उनके में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाते, इनमें भी 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है, यानी वो कहना बस यही चाह रहे थे कि जिनके अंदर ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बाकी के जो है हाइपो और हाइपर, ये दोनों जो है हाइपो और हाइपर वैलेंट स्पीसीज जो होते हैं, दोनों जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है, जो वो सारे पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज, यानी ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो ज्यादा एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यही बात होती है, ठीक है, इसी वजह से वो बॉन्ड ज्यादा बना रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर ऑक्टेट ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी कि वो ऑक्टेट जितनी एनर्जी तो वो कंडक्ट ऑक्टेट जितनी एनर्जी तो उनमें नहीं होती, लेकिन वहां तक पहुंचने की वो बॉन्ड बना बना के वहां तक पहुंचने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो उनका बस कहने का मतलब यही था, और इसी में उनका एक लिमिटेशन भी था, एक दो लिमिटेशन थे जिसको दूर किया गया सुडगन के द्वारा। अब इसके बाद आए सुडगन, उन्होंने अपना थियरी दिया, सुडगन थियरी, इसको बोलते हैं वन इलेक्ट्रॉन थियरी। वन इलेक्ट्रॉन थियरी क्यों बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला कि जो ऑक्टेट कंप्लीशन जो होता है ना, इन्होंने बोला क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन क्या था, चलो आपने बोल दिया कि भाई NCl5 जो होता है, PCl5 जो होती है, PF5 होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए बहुत काम आते हैं, तो भाई
pH5, NCl5 ऐसे मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं बनते। ठीक है, ये बात उन्होंने जो है ये लिमिटेशन था उसका और वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और सुडगन जो थे उन्होंने ये बात एक और बताई कि ये जो बता रहे कि ऑक्टेट जैसी कोई चीज नहीं होती, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, ऑक्टेट जो है ना वही प्राइमरी अट्रैक्शन है। ठीक है, ऑक्टेट जो है यही बात है, लेकिन असल में क्या होता है कि जैसे कि PCl3 हो गया या फिर H2O हो गया, HF हो गया, NH3 हो गया, ये सब में ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जो हाइपर हाइपोवेलेंट जो है उनमें तो पता ही है कि उनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता, तो वो तो जितने पोटेंशियल एनर्जी जितनी उनकी कम हो पाएगी उतनी तो वो करेंगे भाई। अब ऑक्टेट तक नहीं पहुंच सकते, जितनी होती है उतनी तो करने दो, तो जितनी हो सके कि उतने वो बॉन्ड बना के अट्रैक्शन करेंगे जो हाइपोवेलेंट है। लेकिन जो हाइपरवेलेंट है ना वो अपना पहले तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और ऊपर के जो बॉन्ड जो होते हैं ना वो अपनी थोड़ी सी स्लाइट पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, स्लाइटली पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए बाकी के बॉन्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल PCl5। तो इसमें आप जरा इस पे अपनी नजरें डालिए, इसमें वो कहना बस ये चाहते थे कि जो फॉस्फरस है Cl Cl Cl, ये तीनों देखिए उसको, बस इसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये 3 बॉन्ड बना लिया उसने, शेयर कर लिया और उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बाकी के जो 2 बॉन्ड है वो क्यों बना रहा है, बाकी के 2 बॉन्ड है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑक्टेट से थोड़ी सी डिक्रीज करने के लिए बाकी के 2 बॉन्ड बना रहा है, ताकि क्या है कि Cl भी जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर ले ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ फॉस्फरस का, यहाँ पे आपको एक बढ़िया स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली वो उसको 1 इलेक्ट्रॉन थियरी क्यों बोला गया और वो क्यों ऐसा बनाते हैं। According to Sudgan, उन्होंने क्या बोला, देखिए फॉस्फरस एक दो और 3, यहाँ पे Cl का एक। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये Cl ने बना लिया, ये भी Cl ने बना लिया, ये भी Cl ने बना लिया। अब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, फास्फोरस के पास और 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है बट और 2 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास है, बचे हैं। अब वो इस इलेक्ट्रॉन का यूज कैसे करता है, भाई ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, मैं स्टेबल हो गया, लेकिन 2 Cl और आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई यार मुझे भी स्टेबल होना है, मेरा भी कुछ करो यार। तो वो जो 2 Cl आते हैं उनके पास जो होते हैं वो 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस उन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो उनको चाहिए है वो क्या करते हैं कि फॉस्फरस से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ले लेते हैं, फॉस्फरस एक इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर लेते हैं और फॉस्फरस उनका इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, उनको तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो तो पहले से ही स्टेबल है फॉस्फरस, तो फॉस्फरस के में जो है वो अपना ऑक्टेट बस वो इस तरह से कंप्लीट कर लेता है। यानी अब ये जो बॉन्ड बना है, एक ये और एक ये दोनों बॉन्ड के बीच में बस सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उन्होंने बस ये इस बात को उन्होंने रखा कि हाइपरवेलेंट स्पीसीज जो होते हैं फिर अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है 2 जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है 2 एटम्स के बीच में शेयर कर देता है, इस वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब ये वाला भी उस पर जो है वो बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा दूर ले जाएगा इसको, यानी इस पे एक ही न्यूक्लियस का यहाँ पे इसका अट्रैक्शन लग रहा था फॉस्फरस के ऊपर, थोड़ा सा दूर हो जाएगा, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी हल्की सी ऑक्टेट से डिक्रीज हो जाती है। बस ये 2 बॉन्ड जो है वो बनाने के लिए
वो बनाता है, इस वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑक्टेट्स थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है और वो हाइपर वैलेंट स्पीसी बन जाता है। बोला प्रूव करो, बोला मैं प्रूव करूंगा, उसने बोल दिया कि मैं प्रूव करूंगा। लेकिन आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो सी एल है ये दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, और ये तीनों क्लोरीन जो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं वो टू इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, इसीलिए इस थियरी को सिंगल इलेक्ट्रॉन थियरी बोला गया। अब उसने प्रूव कैसे किया अपनी बात को, पहले तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये पहले तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जैसे कि फॉस्फरस और क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन को लगने वाले दो न्यूक्लियस से फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो यानी जो है इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। और लेकिन अगर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्पीसी है दोनों के बीच में, तो ये जो होगा वो वीक बॉन्ड होगा कंपैरेटिवली टू दिस, ये जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन वो कम लग रहा है, दोनों एक ही पे अट्रैक्शन लगा रहे, बस एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं, मतलब दोनों के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ज्यादा जाहिर से बात है कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाएंगे तो उन पे न्यूक्लियस का लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, उस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन लगाने को, समझ गए, यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी दो न्यूक्लियस है, अब उनको चाहत इलेक्ट्रॉन की है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको दो मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी। अगर तीन इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जैसे कि आपको पता है कार्बन और कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होता है, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उनके बीच में जो होता है वो अट्रैक्शन अच्छा खासा होता है। लेकिन अगर ये दोनों एक एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर दे, चार हो जाए, तो अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा भाई, अट्रैक्शन और बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, न्यूक्लियस से और अट्रैक्शन लगाने लगेगा और कम पास पास में आ जाएंगे, ठीक है, और उनकी पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स डाल दो बीच में, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और करीब आ जाएगा और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, रिपल्शन नहीं लगेगा क्या? अरे रिपल्शन कैसे लगेगा, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको एक साथ में, ठीक है, बाकी वो होते तो इस तरह से है ना, ठीक है, फिर ये दो इस तरह से होते हैं, ठीक है, फिर ये जो होते हैं वो इस तरह से भी होते हैं, तो ये जो स्पेस में इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है, और ये जो लगने वाला नेट फोर्स जो होता है वो एट द एंड जो होता है वो बढ़ ही जाता है, ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे बीच में उतना फोर्स बढ़ेगा, ये तो समझ में आ गया। अब वो कहना क्या चाह रहा था कि अगर जितने कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही उस अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा, उतना ही बॉन्ड उसका वीक हो जाएगा, ठीक है, तो वो कहना ही चाह रहा था अपनी इन बातों से, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं मैं आपको, अपनी इन बातों से वो ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं 4 moles ऑफ PCl5 लेता हूँ, उसको अगर मैं हीट करता हूँ तो 4 moles ऑफ PCl3 बनता है और 4 moles ऑफ Cl2 बन के उड़ जाता है, यानी कि दो बॉन्ड उसमें वीक थे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी थे, ठीक है, वो दोनों पहले टूट गए और उड़ गए, उन्होंने बोला, और बाकी और अगर हीट दिया हाई टेम्परेचर पे, फिर उसके बाद जो है वो बाकी के चार बॉन्ड टूटे, यानी जो चार बॉन्ड डबल इलेक्ट्रॉन स्पीसी थे, टू इलेक्ट्रॉन स्पीसी थे, वो बहुत स्ट्रांग थे, वो जल्दी नहीं टूटे, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी थे वो जल्दी से टूट गए, उड़ गए, देखो यहाँ पे है, बस यही वो कहना चाह रहा था। उसने बोला देखो मैंने प्रूव कर दिया कि PCl5 में दो बॉन्ड वीक होते हैं, तीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इस तरह से उसने बोला कि मेरा बॉन्डिंग मॉडल एकदम सही है। तो हाइपरवैलेंस स्पीसी को उसने इस तरह से प्रूव किया, बोला कि ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा ही, बट जो है फर्दर थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बांट देगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका फेलियर क्या हुआ, इसका भी तो फेलियर था। अब उसका जो फेलियर था वो बताया सिडविक ने, इसके आगे जो है वो सिडविक अप्रोच आया। अब सिडविक बाबा ने जो बात बोली ना, यहां से बीबीटी शुरू हो जाएगी। इन्होंने क्या बोला, भाई तुम बात तो सही बोल रहे हो, बात तो तुम एकदम सही कर रहे हो, लेकिन अब ये बताओ
ये क्यों नहीं बनता, ये क्यों नहीं बनता, फिर जो है ये क्यों नहीं बनता, ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं बनते हैं, इनमें क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना ले, बॉन्ड बना ले, ऐसा नहीं हो सकता क्या, हो सकता है जरूर, ये क्यों नहीं करते ऐसा बताओ जरा। एक और फेलियर, उन्होंने ये बताया PF5 को लिया उन्होंने, जब इन्होंने इनको टेम्परेचर दिया कुछ भी नहीं हुआ, जब हाई टेम्परेचर दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया, बहुत ज्यादा जब इन्होंने टेम्परेचर दिया, सीधा ये हो गया, सारे के सारे फ्लोरिन बॉन्ड एक साथ टूट गए। ऐसा नहीं हुआ कि दो, जो वो बोल रहे थे जैसे कि दो सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, फिर जो होते हैं बाकी के तीन जो होते हैं वो डबल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले वीक होते हैं, जल्दी टूट जाएंगे, डबल इलेक्ट्रॉन वाले थोड़े स्ट्रांग होते हैं, बाद में टूटेंगे, ज्यादा टेम्परेचर एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे तो भाई सभी एक साथ टूट गए, बताओ अब क्या बताओगे, कुछ तो होगा भाई। फिर उन्होंने बोला कि सारे यहाँ पे देखने पे मिल रहा है कि सारे फास्फोरस फ्लोरिन बॉन्ड्स जो है वो इक्वली स्टेबल है, मतलब इक्वली उनके बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो इक्वल है दोनों की, ठीक है। तो फिर उसके बाद सिडविक बाबा ने अपना अप्रोच दिया कि भाई आप जरा सोचे, ऑर्बिटल्स भी तो होते हैं, उनका वेव नेचर भी तो होता है इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं, सबके अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, जरा सोचिए यार इन सब बातों पर भी जरा गौर करें। और फिर उन्होंने अपना अप्रोच दिया, और यहाँ से क्या है कि VBT का फाउंडेशन हुआ, VBT शुरू हुई यहाँ से। और कल हम पढ़ेंगे एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी थियरी वगैरह सब कुछ हम कल पढ़ेंगे। ऑर्बिटल्स के बारे में उन्होंने बोला कि ऑर्बिटल्स का भी तो रोल होता है, और उन्होंने पूरा ऑर्बिटल के ऊपर अपना थियरी दिया, तो ऑर्बिटल्स के बारे में भी अभी पढ़ना बाकी है, वो भी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, जितनी भी सारी बातें हैं, एक बस कमी ये है कि जो है ना बॉन्डिंग पढ़ा तो सब देता है, बस एक प्रॉपर अप्रोच बॉन्डिंग की होनी चाहिए, तो बॉन्डिंग पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस एक आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया जाए सारा कंटेंट, बस अगर आपको मजा आ रहा है तो बस बने रहे हमारे साथ, नहीं आ रहा फिर भी बने रहे, आ जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ बातें आपको इसमें से पता है, लेकिन अगर उसको आप हल्का समझ के अगर जाने दोगे ना, तो उसमें कई बात ऐसी होती है जो आपको नहीं पता होती, हो सकता है ना कुछ अच्छा नया जानने मिल जाए, तो बने रहे हमारे साथ। और इसी तरह से अगला लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे पूरा ऑर्बिटल कंसेप्ट के बारे में, ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। ऑनलाइन फिजिक्स अकेडमी जल्दी सेकंड लेक्चर आ जाएगा, ठीक है, तो और रिवाइज कर लेना, यह सारा रिवाइज करते रहना, ठीक है, अगर भूल गए तो फिर कोई फायदा नहीं है, कितना भी अच्छा अप्रोच रख लो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।